नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के चुनावी कार्यालय का आज नीमच के तपोभूमि पे उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर मालवा की राजनीति से जुड़े भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री पारस जैन खास तौर पर मौजूद थे। आज कार्यालय उद्घाटन में लोकसभा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने कहा कि यह पूरा चुनाव विकास पर है, हम विकास की बात करके जनता से वोट मांग रहे हैं, काम करने का प्रयास किया है, इसलिए मुद्दा एक ही है विकास, और इसीलिए बहस भी विकास पे होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हर एक के सपने में भी, हर एक के मन में भी, हर एक के विचार में भी यही तो होता है कि हम प्रगति करें, और प्रगति का पैमाना, प्रगति का मानक यही होगा आज तुलना होने का। और उसके 70 में कहा था मकान दे देंगे, 49 में कहा था कि अनिवार्य शिक्षा दे देंगे, अनिवार्य शिक्षा तो अटल जी ने ला कर दी, मकान मोदी जी ने ला कर दिए, अभी कह गए थे कि कर्ज माफ कर देंगे। अब ये कर्ज माफ करने का जो वादा था वो 10 ही दिन का तो था, अभी पूछिए तो सही कि जो कहते हो वो करते भी हो क्या। और इसीलिए देश के सामने राजनीतिक दलों में विशेषकर कांग्रेस की बातों पर विश्वास की जनता को अब रहा नहीं है, इसलिए ऐसा कितनी भी कपोल कल्पना की बातें वो करें, व्यावहारिक धरातल पर लाकर रखना होगा। एक आर्थिक अनुशासन भी होता है देश में, हम जो वादे करते हैं उसके पीछे हमारी इकोनॉमी कितनी चीजों का कितना रिप्लाई कर सकती है, इसलिए आर्थिक अनुशासन में बंधी हुई बातें कहे बिना जब कर्ज मुक्ति की बात कर लिया तो अब इनके पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं।